हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी टू ई का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसमें कौन सा विकल्प सही है यही हमें बताना है। तो क्वेश्चन हमारा जो है शून्यांक मानस तीन और चार वाला द्विघात बहुपद है। इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यांक मानस तीन और मानस चार है? तो ये शून्यांक दिया, इसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे और जो द्विघात बहुपद आएगा वही विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए, शून्यांक दिए रहते हैं तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं? द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो हम पिछले अभ्यास में बता चुके हैं आपको पिछले प्रश्नावली में। तो देखिए, हल करते हैं, देखते हैं कौन सा बहुपद आता है। देखिए, यहाँ से अल्फा बराबर क्या दिया, शून्यांक जो मान लेते हैं, शून्यांक क्या है, अल्फा बराबर माइनस तीन दिया है, बीटा बराबर क्या दिया है, चार दिया है, और द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया है, होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हमारे से रहेगा माइनस अल्फा का मान कितना दिया है, माइनस तीन, प्लस बीटा का मान क्या दिया है, चार, इंटू एक्स ऐसे रहेगा प्लस अल्फा का मान कितना हो जाएगा, माइनस तीन हो जाएगा, गुणे बीटा का मान कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार में तीन जाएगा एक एक्स और माइनस बारह। देखिए, दिमाग लगाए हमारा बहुपद यह है, लेकिन यह बहुपद किसी भी बहुपद से मिल नहीं रहा है। तो देखिए, यहाँ से देखिए ये बहुपद तो हो ही नहीं सकता, ये भी बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस सेम संख्या, वो वाला बहुपद हो ही नहीं सकता। देखिए, यही बहुपद हो सकता है, क्योंकि हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए दिमाग लगाइए, अगर हमारा कोई बहुपद भिन्नात्मक वैल्यू में रहता था, कोई भिन्नात्मक, उसे हम क्या कर लेते थे, भिन्न खत्म करने के लिए क्या करते थे, जो हर होता था उससे गुणा करा देते। तो इसमें हर दो आया, दो से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, दो से गुणा कराएंगे माइनस एक्स होगा, दो से गुणा कराएंगे छः, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह, ये यानी यही विकल्प ये चीज़ लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको दो से भाग करा देते हैं। तो दो से भाग करेंगे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे दो माइनस एक्स बटे दो माइनस क्या हो जाएगा, बारह बटे दो लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस मान लीजिए जीरो होता है द्विघात बहुपद का। देखिए, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बटे दो माइनस एक्स बटे दो माइनस छः, यानी हमारा कौन सा विकल्प मिल रहा है, हमारा जो है तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। तीसरे क्वेश्चन का हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।